हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। मैं हूं श्वेतांकी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। ये हमारा है चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर को मैंने इतने टॉपिक्स में डिवाइड किया है जिसमें से ऑलरेडी मैंने ये 3 लेक्चर्स ले लिए हैं। ये होने वाला है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 4 या कह सकते हो लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों, अभी तक जितने भी क्लासेस मैंने ली हैं या तो कुलम्स लॉ लिया है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मल्टीपल चार्जेज की वजह से जो फोर्स लिया है, उनमें हमने हमेशा पॉइंट चार्ज की बात की है ना, पॉइंट चार्ज की बात की। लेकिन सोचो, इन प्रैक्टिकल पर्पसेस आप सोच सकते हो कि पॉइंट चार्ज क्या है। क्या है पॉइंट चार्ज? आप पॉइंट चार्ज तभी किसी चीज को ले सकते हो जब उसकी कैलकुलेशन, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन काफी दूर पे कर रहे हो, तभी तो आप किसी भी बॉडी को पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हो ना, है ना। तो इन जनरल क्या होता है, हमारे पास एक कोई एक्सटेंडेड बॉडी होती है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। हमको जनरली इस तरह के सिचुएशन को ही डील करना होता है, या ऐसी ऑब्जेक्ट की वजह से, ऐसी मटेरियल की वजह से जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना होता है। तो इसके लिए हमें तो ये जानना होगा ना पहले कि व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकती है। एक तो चार्ज या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, इट्स जस्ट लाइक डेंसिटी, मतलब जैसे मास डेंसिटी होती है ना, यूनिफॉर्मली मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हो सकती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हो सकती है। सिमिलर तरीके से हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। तो अभी हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप देखने वाले हैं बच्चों। तो जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी टाइप 3 टाइप्स होती है बेसिकली। पहली हो गई तुम्हारी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हो गई? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसा कि नाम है लाइन चार्ज, मतलब यहाँ पे जो बॉडी होगी ना वो लीनियर होगी, जो एक्सटेंडेड बॉडी होगी मेरी वो लीनियर होगी। यानी एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, एक कोई वायर को ले लो, ठीक है, कोई वायर ले लो और जिसपे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊँ तो मान लो ये मेरी एक बॉडी हो गई, ठीक है, एक बॉडी हो गई जिसकी सिर्फ लेंथ है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, और चार्ज इस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के लिए, ऐसे इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर आता है, फिजिकल पैरामीटर आता है, उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा। लेमडा क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, क्या गेस कर सकते हो उसकी यूनिट क्या होगी? क्या यूनिट होनी चाहिए बताओ? कूलम पर मीटर। यानी हम इससे लेमडा अगर दिया है तो हमको ये पता लग जाता है किसी यूनिट लेंथ में कितनी चार्ज है। अगर यूनिट लेंथ में हमें चार्ज का पता लग जाए तो क्या गिवन लेंथ में, जो मेरे पास लेंथ, जिस लेंथ की वायर है या जिस लेंथ की वो सब्सटेंस है, क्या हम बता सकते हैं उसमें टोटल कितना चार्ज है, है ना। तो यहाँ पे अगर हमको मान लो एक छोटी सी इसकी सब सेक्शन लिया है और मैं पूछूं कि बताओ भाई इसमें इतने छोटे से लेंथ में, जिसकी लेंथ मान लेते हैं डीएल है ना, इस छोटे से लेंथ में कितनी चार्ज है, ठीक है, डी फॉर स्मॉल लेंथ, ठीक है, डी फॉर एलिमेंट्री सेक्शन, डी फॉर डिफरेंशियल लेंथ। तो यहाँ पे डी इंटू एल नहीं है बच्चों, अगर डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा ना अब तक, आप तो 12th में आ गए हो। तो यहाँ पे इस डी एल लेंथ में हमारी छोटी सी चार्ज कितनी होगी, तो उस चार्ज को अगर मैं डी क्यू से डिनोट करूँ तो दिस डी क्यू कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे बताओ? इफ लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू क्या हो जाएगी? हाँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डी एल, यही तो होगी, और क्या होगी? हाँ, तो ये हमने लिख दिया एक गिवन लेंथ में, एक डीएल लेंथ में कितनी चार्ज है अगर हमको लेमडा की वैल्यू पता है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे भी डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई शीट है, ठीक है, शीट है, कैसे भी शीट हो सकती है। अब ये जरूरी नहीं कि प्लेनर सरफेस हो सकता है कि ये कर्व्ड सरफेस भी हो सकती है, हो सकता है किसी स्फेरिकल शेल की सरफेस हो, है ना। तो एक बस एक ये ना प्लेन सरफेस होती है, इसमें कोई थिकनेस नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो कि ये एक इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, ये बस ये लीनियर नहीं होगा, ये थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्सटेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या आगे चल के पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी निकालने के लिए जो हमारे पास
पैरामीटर आता है, फिजिकल पैरामीटर है, वो है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी जिसकी यूनिट क्या होनी चाहिए समझो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ? तो यहाँ पे चार्जेस क्या है, इस थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑफ कोर्स ये क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, अदरवाइज यू कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई द डेंसिटी विद द गिवन डायमेंशन। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते। तो मेरे पास अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एरिया ली है जिसको मैं डिफरेंशियल एरिया डीए से डिनोट करूँ, तो इस छोटी सी एरिया में कितनी चार्ज प्रेजेंट है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे इस छोटी सी एरिया से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। ठीक है, यानी अगर मैं इस तरीके से इसको बनाऊं, मान लो ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये 3D में बनाया मैंने, कोई वॉल्यूम है, सब्सटेंस है, और इस पे चार्ज थोरोली पूरी तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर भी है, थ्रू आउट द मास ये बिल्कुल अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं छोटी सी वॉल्यूम ले लेती हूँ, मान लो इसके अंदर मैंने एक छोटी सी वॉल्यूम ले ली, ठीक है, इसको मैं डीवी का नाम दे दूँ, तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस छोटी सी वॉल्यूम पे कितनी चार्ज है, तो इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है, क्या क्या बोलते हैं, रो, क्या वो कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं बच्चे, रो से, और ये होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट बता पाओगे अब इसकी, क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं ना कि डी क्यू डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो मल्टीप्लाइड बाय दिस स्मॉल वॉल्यूम विल गिव यू दी चार्ज ऑन इन दिस वॉल्यूम डीवी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लीनियर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो होपफुली ये समझ आ रहा होगा। अब इसका इसकी क्या क्या पर्पस है इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने का, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे किसी भी इन जनरल किसी भी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक जनरल मैं एक्सटेंडेड बॉडी लेती हूँ, कोई सी भी जनरल। ठीक है, इसको बाद में मैं कैटेगराइज कर दूंगी। मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है जिसपे चार्ज क्या है, थोरोली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसपे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस बॉडी की वजह से हमें क्या करना है, किसी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मुझे निकालना है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे। अच्छा, अब कैसे करें, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से, वो भी कूलम्स लॉ ने, कूलम ने हमें दिया है वो लॉ, तो वहां से हम बता सकते हैं भाई KQ/r². किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, KQ/r², ये हमें आता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, यहाँ पे एक्सटेंडेड बॉडी है, क्या करें, तो हम क्या करते हैं, उस लॉ को ही यूज करते हैं, उस लॉ को ही इन्वोक करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो पहले क्या करो, इस बड़े से एक्सटेंडेड बॉडी को आप क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो। हम क्या करते हैं, कोई सी भी एक छोटी सी एलिमेंट्री सेक्शन लेते हैं, छोटी सी एलिमेंट्री सेक्शन इतनी छोटी है कि इस बॉडी की, इस छोटे से सेक्शन की हर पॉइंट जो है पी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हम अज्यूम कर सकते हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे मान लिया कि ये जो हमने सेक्शन लिया, इसकी डिस्टेंस पी से आर है, स्मॉल आर है, मान लिया इसकी डिस्टेंस पी से स्मॉल आर है। तो नाउ कैन वी कंसिडर दिस स्मॉल चार्ज डी क्यू, मान लो इस पे चार्ज कितनी है, डी क्यू है, तो नाउ कैन वी कंसिडर द स्मॉल चार्ज डी क्यू एज पॉइंट चार्ज।
समझ रहे हो? इस आर के कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में क्या हम इस छोटे से एलिमेंट्री सेक्शन को जो हमने कंसिडर किया है, क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह है? तो अब आप सब कुछ भूल जाओ, आप भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे कोई भी बॉडी है, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? डोंट वरी, मैं वापस सिला दूंगी, ये हटा दो, सब कुछ हटा दो, सब कुछ हटा दो। क्या आपको अब समझ आ रहा है कि यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख सकते हो इसके लिए? कैन वी राइट दिस इक्वेशन अगेन? फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिंपली के, एंड व्हाट विल बी क्यू? डी क्यू, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो बाकी की चीजों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और सोचो, लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज एट पी पॉइंट, ठीक है? इसको मैं डिनोट कर रही हूँ डीई से, बिकॉज छोटी अमाउंट की चार्ज है तो छोटी सी फील्ड निकलेगी, फील्ड की वैल्यू भी कम होगी। तो डीई विल बी सिंपली बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ हियर के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है? जस्ट हमने फॉर्मूला पुट किया है। अच्छा, अब हमें अगर क्या करना है, इस पूरे वॉल्यूम, पूरे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है, तो आपको पता है क्या करना है हमें? डी जैसे देखा वहाँ समझ में आ रहा है ना, क्यों मैंने डी क्यों लिखा था, डिफरेंशियल ही अमाउंट क्यों लिखी थी, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। तो नाउ द टोटल, या लिख लो नेट, नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगर मान लो टोटल चार्ज क्यू है, या लिख लो ड्यू टू डी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू क्यू लिख देती हूँ डायरेक्ट, ड्यू टू क्यू एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी विल बी ई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा ना बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे जो छोटी सी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डी ई वैक्टर आएगी, है ना, डी ई वैक्टर होगा, इसको हम ऐसे आर कैप में लिख दें। अगर दिस डायरेक्शन इज आर वैक्टर, तो दिस विल बी आर कैप, ठीक है? तो यहाँ पे एक आर कैप वैक्टर भी आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट कर दो, है ना? अगर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज अगर सेम डायरेक्शन में है, तो उसको सिंपली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम सिंपली तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, पर हम क्या करेंगे, दो कॉम्पोनेंट में ब्रेक करके तब इंटीग्रेट करेंगे। तो याद रखना, जब वेक्टर की डायरेक्शन, यानी जो तुम्हारे पास क्वान्टिटी है, फिजिक पैरामीटर है, अगर सबकी सब की डायरेक्शन अगर एक ही तरफ है, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। फिलहाल इसको छोड़ दो जो मैंने कहा अभी, ये बाद में जब मैं इंटीग्रेशन समझाऊंगी तुम्हें डिफरेंट बॉडी के लिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो मैंने लिखा है, बस इसको नोट डाउन कर लो, समझ लो, ठीक है? इसको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको अलग अलग बॉडी के लिए जब मैं बताऊंगी उसे आप नोट करना। तो ये समझ लिया आपने क्या करना है, बस इंटीग्रेशन करना है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी एक्सटेंडेड बॉडी, यानी ड्यू टू एनी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों, यहाँ पे जो डी क्यू है ना, ये जो मैंने डी क्यू यहाँ लिखा है, ये जो डी क्यू लिखा है, दिस डी क्यू कैन बी रिटन इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं सबसे पहले लेती हूँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लो, वेयर, इधर लिख देती हूँ, साइड लिख देती हूँ, वेयर डी क्यू कैन बी लैम्डा डी एल, डी क्यू कैन बी सिग्मा डी ए, डी क्यू कैन बी रो डी वी। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। डी क्यू को क्या लिख सकते हो, लैम्डा डी एल, है ना, फॉर लीनियर चार्ज, फॉर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एंड इट कैन बी सिग्मा डी एस, इट कैन बी रो डी वी, है ना, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों? तो ये मैंने एक जनरल तुम्हें तरीका बताया कि हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी एक्सटेंडेड बॉडी या ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, ठीक है? एक मेरे पास फाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज है और इसके एक्सिस पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो लाइन चार्ज है मेरी, इसकी लेंथ एल दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है मुझे लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू दिया, क्या दी है, लेमडा कूलम्ब पर मीटर,
क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। तो अब मुझे पी पॉइंट पे अगर इस पूरे लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों, तो इट इज नॉट दैट सिंपल। मतलब इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसकी मिड पॉइंट से लेंथ ले लो और आप जस्ट आप के क्यू बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दो, नहीं बच्चों। बिकॉज जो इसकी पॉइंट पे अगर तुम लेते हो ना, अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि इसके पॉइंट से हम इसके डिस्टेंस मेजर कर लें और लिख दें, नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट से अगर देखो, किसी पॉइंट से देखो तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज के ना, यूनिफॉर्म नहीं है। दो डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, लेकिन बाकी के जो हमारी स्पेस है उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये हर तरफ सराउंडिंग में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता ना, तब आप वो काम कर सकते थे। और इसी वजह से हम किसी शेल की वजह से या किसी किसी सॉलिड स्फीयर की वजह से, अगर हम बाहर में, अगर स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वहाँ पे हम पूरे चार्ज को ना उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके इमेजिन कर सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और वहाँ पे हमारा काम आसान हो जाता है। बट यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इस सेंटर के रेस्पेक्ट में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। बात आई समझ में? तो कभी भी ये गलती मत करना, ठीक है। तो क्या करें फिर, क्या करें? अच्छा, क्या करें, सोचो तुम कि हर चार्ज, अगर मैं किसी भी डिस्टेंस की बात करूं, मैं यहां से यहां इस पर्टिकुलर चार्ज की बात करूं, तो ये चार्ज यहां पे इस पर्टिकुलर छोटे से लेंथ में जो चार्ज है, क्या इसकी डिस्टेंस कुछ और होगी? क्या यहां पे जो लेंथ होगी इसकी डिस्टेंस कुछ और होगी? क्या इसकी डिस्टेंस कुछ और होगी? लेकिन क्या हर डिस्टेंस, हर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, क्या उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी? है ना, तो हम क्यों ना एक काम करें कि एक छोटी सी एलिमेंट्री सेक्शन लेते हैं, लेंथ लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जो अभी अभी हमने तरीका सीखा, कर सकते हैं ना। चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने कंसिडर किया एक छोटा सा एक एलिमेंट्री सेक्शन हमने ली इस पूरे लेंथ की, और मान लिया कि इसकी लेंथ ना dx है। ये मान लिया कि इसकी लेंथ क्या है, dx है, ठीक है। और मान लिया कि जो लेंथ मैंने कंसिडर किया है ना, ये p पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पे है। कितने दूरी पे है? x डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है, ओके। अब वापस से क्या करो, हर कुछ को भूल जाओ, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो उस dx पे और p पे और उसके बीच के डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले तुम ये लिख लें कि व्हाट इज द चार्ज इन दिस पर्टिकुलर dx लेंथ। तो बताओ मुझे, अगर चार्ज dq है, अगर इस लेंथ में चार्ज dq है, लिख लेते हैं चार्ज, स्मॉल चार्ज इन dx लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? dq से डिनोट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा? सिंपली लैम्डा इनटू dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दैट लेंथ, ठीक है। तो dq की वैल्यू आ गई। अब इस dq की वजह से p पॉइंट पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो भाई बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? dE इक्वल्स क्या हो जाएगा? k इंटू dq बाय दिस x स्क्वायर, ठीक है, x की दूरी पे है, dq को रिप्लेस कर दो, लेमडा k इंटू लेमडा इंटू dx बाय x स्क्वायर, हो गया ना। अब क्या करें, इंटीग्रेट ही तो करना है हमें, बिकॉज सारी एलिमेंट्री सेक्शन की वजह से जो भी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबकी डायरेक्शन सेम होने वाली है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी मेरी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? के लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? अब इंटीग्रेशन किया है हमने, इसकी लिमिट तो रखनी होगी ना, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करो, यानी तुम्हारी जो बॉडी है, ये जो तुम्हारी लेंथ है, लाइन चार्ज है, फाइनाइट लेंथ की है ना, तो हमें ये तो बताना होगा ना कि जो x तुमने लिया है ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। x वेरिएबल क्यों है? क्योंकि डिफरेंट सेक्शन, अगर तुम ये सेक्शन यहाँ नहीं लेते, यहाँ लेते, तो यहाँ यहाँ पे लेंथ x की वैल्यू अलग होती ना, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल सिर्फ क्या है? x है। तो हमें x पे ध्यान देना है, x की वैल्यू कहाँ से क्या, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ x, ठीक है। तो अभी फिलहाल पहले से को इंटीग्रेट कर दो, पहले ना लिमिट रख लेते हैं। मुझे बताइए, हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये मेरी पूरी लेंथ कवर हो जाए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इस एंड से और यहाँ तक बढ़ते हैं। मुझे बताओ, इस लेंथ, यहाँ इस एंड पे लेंथ की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होने वाली है, क्या होगी? हाँ, x क्या है? x इज द डिस्टेंस ऑफ द dx, द एलिमेंट्री सेक्शन फ्रॉम p तो फिक्स है, वेरी क्या हो रही है? ये dx फिक्स हो रही है ना, dx वेरी कर रही है ना जगह 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 से। तो इस एंड पे जो dx होगी मेरी, समझ रहे हो, अरे इस वाले एंड पे जो dx होगी, जो सबसे नियरर एंड वाले पॉइंट पे जो dx होगी, उस dx की p से क्या डिस्टेंस है? तो क्या डिस्टेंस है बेटा? r,
ठीक है, और जो मतलब बिल्कुल लास्ट वाली एंड है, बिल्कुल फार अवे वाली एंड है, यहाँ पे तुम्हारी एक्स की क्या वैल्यू होगी बताओ, क्या होगी? आर प्लस लेंथ ऑफ द दिस लाइन, तो क्या हो जाएगी? आर प्लस एल। तो समझ आया व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ एक्स? आर से लेके हमें क्या करना होगा, आर प्लस एल तक इसे इंटीग्रेट करना होगा। अब इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, यहाँ पे हमें पता है के क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, लेमडा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो हम इसे लेमडा को भी बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आता है, डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर, पता है आपको? अब तक तो पता होना चाहिए ना, क्या होती है, वन माइनस वन बाय एक्स, क्या होती है, माइनस वन बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के लेमडा माइनस वन बाय एक्स एंड द लोअर लिमिट विल बी आर एंड द अपर लिमिट विल बी आर प्लस एल। क्या करते हैं इसके बाद, हम इसके बाद क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं वेरिएबल में माइनस, देन लोअर लिमिट को पुट करते हैं वेरिएबल में। तो यहाँ पे बिकॉज पहले से एक माइनस साइन है तो हम पलट जाएगा ना, तो पहले लोअर लिमिट को पुट कर दें, हाँ, वन बाय आर माइनस वन बाय आर प्लस एल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना मुश्किल था ये करना, कितना मुश्किल था ये करना, समझ आई बात? इंटीग्रेशन में तो नहीं फंस गए ना, यहाँ कैसे कर दिया माइनस वन बाय एक्स, कैसे कर दिया ये तो नहीं, क्लास 11th से मैं सारे बच्चों को बोलती हूँ इंटीग्रेशन कर लो कर लो। अरे मैथ्स के बच्चे हो फिर भी क्लास 11th में ही आपको इंटीग्रेशन कैलकुलस का थोड़ा पार्ट सीख लेना चाहिए। चलो देख लेते हैं जल्दी से, हमें देखो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन टू मल्टीप्लाइड डी एक्स। ठीक है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये फॉर्मूला ही यूज किया है मैंने यहाँ पे, और कुछ नया फॉर्मूला नहीं यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया बच्चों मैंने। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो इस जगह पे, यहाँ पे इन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर्ड, यहाँ पे देखो तो क्या मैं लिख सकती हूँ एक्स रेज टू पावर माइनस टू डी एक्स, लिख सकते हैं क्या? तो क्या मैं यहाँ पे पुट कर दूँ एन इक्वल्स माइनस टू, पुट करके देखो तो क्या आ रहा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की जगह पे माइनस टू पुट करोगे तो एक्स रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, दैट इज एक्स रेज टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, दैट इज माइनस वन बाय एक्स। क्या कोई कंफ्यूजन है आपको माइनस वन बाय एक्स कैसे आ रहा है, क्या आप समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था तरीका हमारा कैलकुलेट करने का, किसी लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अगर कोई लाइन चार्ज फाइनाइट लेंथ की है तो इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ना, इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्शन तो ये होगी अवे फ्रॉम द लाइन ऑन द एक्सिस। ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे काफ़ी सारे हमारे एक्सटेंडेड बॉडी हैं, काफ़ी सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, जिनमें से कुछ हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन में देखेंगे और कुछ की इंटीग्रेशन करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया है, मैंने समराइज कर दिया है चीज़ों को। ठीक है, तो ये बोर्ड के जो बच्चे स्पेशली बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए, तो वो उनको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डेरिवेशन देखने की, बट जिनका एम है कि वो आगे चल के नीट और जेई का एग्जाम दें, तो इनके डेरिवेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बिकॉज पढ़ा रही हूँ तो मैं सीरियली पढ़ाऊंगी और मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने जो भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी चीज़ें आती हैं एक्सटेंडेड चार्ज्ड बॉडीज में, जितनी तरह की डायग्राम बन सकती हैं, जितनी तरह की बॉडीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैंने सबका सब यहाँ पे दे दिया है। पहली वाली जो थी, पहली वाली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अभी इसकी डेरिवेशन मैंने करा दी है बच्चों, इसकी डेरिवेशन अभी अभी कराई है ना मैंने, यही था ना, देखो यही है ना, के लैम्डा वन बाय आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल, ये तो मैंने अभी भी कराया है। इसके बाद फिर से वही फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से एक किसी जनरल पॉइंट पे जो इसके लाइन चार्ज से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पे है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट निकाला है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लाइन चार्ज और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज। ठीक है, तो ये तो आपका इंटीग्रेशन से ही आने वाला है, और इसकी हम स्पेशल केसेस लेते हैं कि अगर मैं ये दोनों एंगल जो है, अगर थीटा वन इक्वल थीटा टू है तो क्या वैल्यू होगी, सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए क्या और इन्फिनाइट वायर के लिए क्या। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर का आर्क के लिए, अगर ये कोई आर्क है, सर्कुलर आर्क जो अपने सेंटर पे फाई एंगल बना रही है, तो उस सेंटर पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है, डेरिवेशन मैं अभी इस सीरीज में नहीं करवाऊंगी, मैं हर बॉडी की डेरिवेशन में अलग लेक्चर में करा दूंगी, अलग वीडियोस के लिए बना दूंगी।
बट इस सीरीज में बिकॉज 12th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इस सीरीज में नहीं करा रही। रिंग के लिए इसके एक्सिस पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी डेरिवेशन होती है जिसका फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पे अगर स्पेशल केस लिए अगर मैं इस पॉइंट को इसके बिल्कुल सेंटर पे ही रख दूं, अगर इस पॉइंट को इसके सेंटर पे यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो एक रिंग है बच्चे, और उसके सेंटर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो वो जीरो होगी, ऑब्वियसली बात है क्योंकि रिंग है ना, तो यहाँ पे जो पार्ट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ पे इसकी वजह से ऐसी होगी, तो हर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो इसलिए ई की वैल्यू जीरो है। और जब एक्स समझो यहाँ पे, यहाँ फिर से पॉइंट चार्ज वाली बात आ रही है, यानी जब डिस्टेंस जहाँ पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है जिस पॉइंट पे देखना है, अगर वो डिस्टेंस काफी सेपरेशन काफी ज्यादा है तो उस सेपरेशन के कंपैरिजन में तुम इस रिंग को एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हो। और इस रिंग पे अगर टोटल चार्ज क्यू है, अगर इस रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है तो द फॉर्मूला विल बी जस्ट लाइक द फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज, तो के क्यू बाय आर एक्स स्क्वायर, वे एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट डिस्क है जिसके एक्सिस पे अगर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका भी फॉर्मूला है जिसकी भी डेरिवेशन मैं करवाऊंगी आपको, डोंट वरी, मैं सारे की डेरिवेशन बच्चों करवाऊंगी, ठीक है। इसकी तो मैंने करवा ही दी और सबों की डेरिवेशन करवाऊंगी, बस इस सीरीज में नहीं करवाऊंगी, मेरी वीडियो रहेगी और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी जब करूंगी तो, ठीक है। या अभी जब आप देख रहे हो तो मे बी अभी लिंक जा चुका होगा। डिस्क के लिए ये है, और इनफिनाइट शीट के लिए क्या करते हैं, हम इस आर को हम इनफिनाइट मान सकते हैं, या एक और तरीका है हम ये ले सकते हैं कि हम जहां ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना वो क्या है, डिस्क के बहुत पास है, अगर बहुत पास रहेगी, बहुत पास रहेगी, जैसे कोई चींटी दीवार पे चलती है ना, उसके लिए दीवार जो है ना वो इनफिनाइट सरफेस है, ठीक है। वो इतने पास से दीवार को देख रही है कि उसकी ना उसको एजेस नहीं दिख रही, बॉल की उसको एज नहीं दिख पाती। तो यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकते हो दैट व्हेन द एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन when this x is very very small than r, तो इस केस अगर इसे यहाँ पुट करोगे ना बच्चों इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे भी आपको जो फॉर्मूला आएगा यही आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि मैंने ये इसकी शीट आखिर दी क्यों आपको, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला एक जगह रहेगा तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बात आती है इस सीरीज में क्या करवाऊंगी, इस सीरीज में आपको वही करवाऊंगी जो कॉस लॉ की एप्लीकेशन होगी। क्या होगी तो बता दूं मैं अभी आपको, मैं करवाने वाली हूँ आपको इनफिनाइट वायर की वजह से ये करवाऊंगी, ठीक है, इनफिनाइट वायर की वजह से करवाऊंगी। उसके बाद तुम्हारी इसमें तो अब कुछ नहीं है, हाँ इस इनफिनाइट शीट की वजह से करवाऊंगी, ये सारे इन सारे में जो जो मैं करवाऊंगी इसमें गॉस लॉ एप्लीकेबल है, गॉस लॉ में इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले लेक्चर में शायद लेके आऊँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट शीट में गए तो इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो टू डिफरेंट एक्सटेंडेड चार्ज बॉडीज में, फिर से दो हमारे पास दो एक्सटेंडेड बॉडी आया है, एक हो गया हमारा शेल, पहले मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में। देखो बच्चों जैसे मालूम जिस स्फीयर किसी स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पे तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो यहाँ पे स्फीयर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो तुम्हारे स्फीयर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती हैं, है ना, या तो तुम्हारा एक शेल हो सकता है, ठीक है, और या तो ये क्या हो सकता है, एक ऐसी तुम्हारी स्फीयर हो सकती है जिसके अंदर अंदर भी चार्ज, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब ये कोई सॉलिड स्ट्रक्चर लग रहा है, ये कोई शेल लग रहा है, बीच में खोखला है, ठीक है। अब इनको किन कैटेगरी में हम रखें, कैसे रखें, देखो अगर सरफेस पे चार्ज है सिर्फ, इसका मतलब है कि बीच में मास नहीं है, सिंपल सी बात, बीच में मास नहीं है, तो हमारी कैसी कैसी स्फीयर हो सकती है सोचो, हमारी हॉलो स्फीयर हो सकती है ना बच्चों, हॉलो स्फीयर हो सकती है। अब हॉलो स्फीयर में भी दो तरह के होते हैं ना, एक तो हो गया तुम्हारा कंडक्टिंग, दूसरा हो गया नॉन कंडक्टिंग, भाई कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों के लिए हॉलो स्फीयर में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस पे होगी, ठीक है। अच्छा बात करते हैं अगर हम सॉलिड स्फीयर की, अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो सॉलिड स्फीयर में फर्दर तुम्हारे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो सकते हैं। तो बच्चों ये बताओ मुझे, मैंने कंडक्टर का तुम्हें पहले लेक्चर में आई थिंक इस चैप्टर के मैंने आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझाया था कंडक्टर नॉन कंडक्टर में, इसमें आपको बताया था मैंने कि अगर कंडक्टर पे तुम कहीं चार्ज रखो ना तो चार्ज हमेशा इसके सरफेस पे चली आती है, ठीक है। अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी हो, भले ही मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर ही क्यों ना हो, उसके अंदर मास ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम चार्ज दोगे ना तो उस चार्ज को उस अंदर वाले मास पे वो नहीं रहती, वो कहाँ चली जाती है, सरफेस पे चली जाती है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, ठीक है। तो अगर मेरे पास सॉलिड स्फीयर भी है और अगर ये कंडक्टिंग है ना बच्चों, अगर ये कंडक्टिंग है तो उसके लिए भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी ही दिखेगी,
और ये वाली कब, फिर ये वाली कब, ये वाली कब होगी, जब हमारी एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो। समझ आई बात? उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैंने जो यहाँ डायग्राम बनाई है ना, ये मास को देख के, मास डेंसिटी के रेस्पेक्ट में नहीं बनाई, मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं बनाई है बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख के बनाया है। मास हो नहीं हो, अगर चार्ज है तो फिर बात बनेगी, चार्ज नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये पूरा खेल किसका है, चार्ज का ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मतलब नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड को, मास रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, उसे किससे मतलब होता है, चार्ज से। तो अंदर भले ही मास प्रेजेंट है, लेकिन इस पॉइंट पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ना बच्चों, इसके लिए ये सिर्फ सरफेस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरफेस पे ही सिर्फ चार्ज है। क्या बात आई समझ में? तो मास डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारी मास डिस्ट्रीब्यूशन काम आती है, यहाँ पे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। तो जब सरफेस पे चार्ज होती है ना बच्चों किसी भी स्फीयर में, वो कब कब हो सकती है? अगर हमारी कंडक्टिंग होलोस्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग होलोस्फीयर हो, या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, तीनों के लिए हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होती है फॉर द सेम रेडियस ऑफ द स्फीयर। एंड जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इन स्फीयर, वो कब होती है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसलिए क्या किया है, दो तरह की स्फीयर रखी है, एक स्फीयर जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, दूसरी स्फीयर इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज है। तो पहली वाली कंडीशन जो है वो कब होती है? हॉलो कंडक्टिंग के केस में, हॉलो कंडक्टिंग के केस में, नॉन कंडक्टिंग के केस में, और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। और सेकेंड वाली कब होगी? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में। बात आई समझ में? तो जितने भी थ्री टाइप्स के बॉडी होंगे ना, तो इनके लिए तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ठीक है। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, जहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, उसके लिए फिर अगेन तुम्हारी एक ही बॉडी है, एक ही तरह का यहाँ पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, तो यहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कुछ ऐसे। तो ये चीज़ें जो ये इस स्लाइड में मैंने लिखी है ना, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी गॉस की, गॉस लॉ की एप्लीकेशन में, ये और ये दोनों ही आएगा हमारा गॉस लॉ की एप्लीकेशन में। डोंट वरी, मैं सबकी डेरिवेशन करवाऊंगी। फिलहाल अब इन दोनों शीट को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं इनकी, अगर बोलोगे तो मैं इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।